से अंदर जाता है धीरे धीरे करके, ऐसे ये नालियों में से बहता है और अंदर जाता है इस तरह से। क्या ये पानी अंदर जा करके काम नहीं आएगा? बिल्कुल काम आएगा, हाँ, वाटर लेवल को बढ़ाएगा। तो जरूर अपने घर में जरूर जरूर ऐसा कुछ एक छोड़िए। जी हाँ, नालियों को भी तो हमने अंडरग्राउंड कर दिया है, जिससे कि पानी बस केवल कुछ और नहीं काम आता बाढ़ आने के। तो पानी के लेवल को बढ़ाइए और पेड़ों को बचाइए कुछ इस तरह से। गिरता हुआ पानी कितना अच्छा लगता है, कितना निर्मल। और पता है ये पानी बहुत काम आता है पेड़ पौधों के भी। नाइट्रोजन होता है इसमें, बहुत से नाइट्रेट्स होते हैं जो कि पौधों। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। पहले पानी का लेवल इसलिए ऊंचा रहता था जी, क्योंकि घर में होता था एक इस तरह का आंगन, ठीक इस तरह का जैसे यहाँ पर है। बारिश का पानी कुछ इस तरह से छतों से गुजरता था, गिरता था और यहाँ आकर के रुक जाता था, यानी कच्चे के अंदर। तो वो सीधा पानी जो है जमीन में जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके सब जगह सड़कें बन चुकी हैं, फर्श हो गए हैं पक्के, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना ही पड़ रहा है। पानी बह जाता है नालों में, गंदे नालों में, जहाँ की पानी काम में लेने लायक नहीं होता। तो अपने घर में छोड़े कुछ इस तरह की व्यवस्था, जी हाँ, ताकि बारिश का पानी हो इकट्ठा और वो काम आए, कम से कम जमीन में जाए या पेड़ पौधों के। जय हिंद जय भारत, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो करेंगे ना आप ये व्यवस्था, जरूर कीजिएगा। और अपने घर में एक आंगन ऐसा छोड़िए जहाँ पानी रिसे और अंदर जाए। फ्रेंड्स ये वक्त है कई तरह के पौधों के कटिंग लगाने का। और अगर आप ऑफिस में कटिंग लगाना चाहते हैं या किसी शॉप या किसी भी ऐसी जगह पर जहां आपके आसपास में कुछ एरिया है और सेकुलेंट प्लांट आप लगा सकते हैं, कुछ ये सेकुलेंट टाइप का है, यानी बैक बॉन प्लांट है दोस्तों, इसकी कटिंग बस ला करके कहीं से भी लगा दीजिए और बारिश में जड़ पकड़ लेगी, और बारिश में जड़ पकड़ने के बाद हरियाली ही हरियाली रहेगी। एयर प्योरीफाई प्लांट है दोस्तों यह है जी, लगाने में बस आसान ही आसान। और ये लीजिए, ये मोर पंखी भी आ गया। हाँ, मोर पंखी भी अगर आप बारिश में इसकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से चलेगी। मोर पंखी लगाने का अभी समय है, चाहे तो आप बीज से लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसकी इस तरह की कुछ कटिंग लगा सकते हैं। कोकोपीट के अंदर ये आराम से चलती है, और मिट्टी में भी अगर आप लगाना चाहेंगे तो बिल्कुल आसानी से चलती है। जी हाँ दोस्तों, देखने में बेहद खूबसूरत सी पत्तियाँ हमारे गार्डन के अंदर चार चांद लगा देती हैं। और अभी ये कटिंग से लगाने का बहुत ही सही समय है, तो देर मत कीजिए, इस बारिश में बस कुछ लगा दीजिए मुफ्त की इस तरह की कटिंग और अपने गार्डन को बनाइए बहुरंगा, बहु रूपी, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं अब कुछ कटिंग लेने के लिए। हाँ, मैं मोरपंखी की कुछ कटिंग लेकर के आई हूँ, डुरंडा की लेकर के आई हूँ, और साथ ही लेकर के आई हूँ इस बैकबोन प्लांट की जो मुझे लगानी है। हाँ देखिए, ये कुछ बस इस तरह से लगे हैं पॉट के अंदर, और अब इन्हें आगे लगाएंगे। अब दीजिए दोस्तों इजाज़त कुछ काम करने की। हाँ, और साथ ही मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरे दोस्तों को, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों कैसी लग रही है ये मोर पंखी? अगर अच्छी लग रही हो तो एक बड़ा सा कमेंट कर दीजिए चलते चलते। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी पक्की हो बस ये जो आप लगाएं, बाकी की आराम से लगे। जय हिंद जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये पिक्चर में जितनी भी फोटोज दिखाई गई हैं वो सारी कटिंग से लगेंगी लगें, बस आप जाइए और लाइए।